गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शालू एंड टुडे इन आवर साइंस क्लास वी स्टार्ट लेसन नंबर 5 वेदर एंड सीजन्स। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई मॉर्निंग्स आर कूलर एंड बेटर एज कम्पेयर टू द आफ्टरनून्स इन समर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो समर्स में हमारी जो मॉर्निंग और इवनिंग होती हैं वो नाइट के मुकाबले आफ्टरनून के मुकाबले सॉरी वो गर्म ठंडी क्यों होती हैं। वाई आर विंटर्स सो कोल्ड। जो विंटर्स हैं वो इतनी ज़्यादा कोल्ड क्यों हैं और समर हैं जो वो इतनी ज़्यादा हॉट क्यों हैं। एक्चुअली ऑल दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन वेदर एंड सीजन्स। एक्चुअली ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो रिवेल्यूएट करती है, चक्कर लगा रही है, आपको पता है, सन के अराउंड में। यही रिस्पॉन्सिबल है, रिवोल्यूशन ही है जो अर्थ का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे वेदर और सीजन चेंजिंग में। लेट्स फाइंड आउट हाउ, ये पढ़ते हैं हम कि ये सब कुछ क्यों है। हाउ वेदर, वेदर इज़ डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर सराउंडिंग अस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वाइंड एंड रेन एट अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम। वेदर क्या है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या जो हमारे एयर है सराउंडिंग में हमारे चारों ओर उसकी कंडीशंस पे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वाइंड एंड रेन, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक टाइम पे उस वहाँ के प्लेस के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है, वहाँ की जो हवा है और वहाँ पे जो रेन है उसके अकॉर्डिंग हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है। अब आप देखते हो न्यूज़ में कि जो न्यूज़ रिपोर्टर है वो आपको बताते हैं कि दिल्ली में टेम्परेचर है जो वो इतना है, वहाँ का वेदर कैसा है, बारिश होने वाली है या सनी रहेगा, गर्मी रहेगी बहुत ज़्यादा। अब कहीं और केरला है, मुंबई है, यहाँ का जो वेदर है ये मोस्टली क्या रहता है, ठंडा रहता है, वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं। तो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग वेदर होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे, ये हर रोज़ चेंज हो रहा है। वेदर ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर प्लेस से, एक प्लेस से जब हम दूसरे प्लेस पे जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो भी वेदर चेंज हो जाता है। वेदर में भी सनी, वाइंडी, क्लाउडी और रेनी। वेदर है जो हमारा सनी भी हो सकता है, गर्म, वाइंडी मतलब तेज़ हवाओं वाला, क्लाउडी मतलब जहाँ बादल होते हैं, और रेनी मतलब बारिश वाला। फर्स्टली है जो हम पढ़ेंगे सनी डेज़, वेदर है जो उसमें फर्स्ट है सनी डेज। सनी डेज़ आर क्लाउडलेस, वार्म एंड ब्राइट। सनी डेज़ हैं जो बिना क्लाउड्स के होते हैं, जब आकाश साफ होता है, गर्म होते हैं और ब्राइट मतलब कि बहुत तेज़ धूप होती है। जब द रेज ऑफ द सन आर स्टार्टिंग ड्यू स्लैंटिंग, तिरछी पड़ती हैं मॉर्निंग में सन की रेज हैं जो, और इवनिंग में एज द सन इज़ लो इन द स्काई, क्योंकि वो सन जो है नीचे आ जाता है, इसीलिए जो है आफ्टरनून वो क्या होते हैं, वो गर्म होते हैं। देयरफॉर मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स आर कूलर, इसीलिए जो मॉर्निंग और इवनिंग है वो क्या है, ठंडे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू आफ्टरनून। बिकॉज जो आफ्टरनून है ना उसमें जो सन है वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, और इस वजह से जो आफ्टरनून में गर्मी ज़्यादा होती है, और जो मॉर्निंग और जो इवनिंग रात है, इवनिंग्स हैं, वहाँ पर क्या है फिर थोड़ी ठंडी हवा होती है। एंड इट्स रेज फॉल स्ट्रेट ऑन द अर्थ, बिकॉज क्योंकि जो आफ्टरनून में हमारे सिर के ऊपर होता है सन, तो उसकी जो रेज हैं वो बिल्कुल धरती पर पड़ती हैं बिल्कुल सीधी। वाइंडी डेज़ क्या है, वाइंडी डेज़ हैं जो फास्ट मूविंग वाइंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइंडी डेज़, जो बहुत तेज़ चलने वाली हवा है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वाइंडी डेज़ के लिए। इट इज़ कूलर ऑन वाइंडी डेज़ दैन द ऑन सनी डेज़, सनी डेज से ठंडे होते हैं ये। समटाइम्स वाइंड इज़ अनकम्प्लेंड होता है के साथ, किसके साथ होती है हवा, कई बार लाइटनिंग, थंडर, गर्जन के साथ, हैवी रेन के साथ होती है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, स्टॉर्म कह देते हैं, तूफान कह देते हैं। ए लॉट ऑफ डैमेज कैन बी कास्ट बाय स्टॉर्म्स, कई बार तूफान आने से क्या है बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। क्लाउडी डेज़ क्या है, ऑन क्लाउडी डेज वी सी मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, हम बहुत से क्लाउड्स को देखते हैं स्काई में। दे ओफन ब्लॉक द सनशाइन, वो क्या है, सूरज को जो सन को क्या कर देते हैं, छुपा लेते हैं, मेकिंग द वेदर प्लीजेंट, और जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा बना देते हैं, सुहावना मौसम कर देते हैं। दीज क्लाउड्स में ऑल्सो ब्रिंग रेन, और यही क्लाउड्स हैं जो वो रेन भी लेकर आते हैं और प्रोड्यूस करते हैं थंडर एंड लाइटनिंग, गर्जन और बिजली चमकती है जब, तो वो थंडर और लाइटनिंग भी प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है रेनी डेज. रेनी डेज क्या है? व्हेन इट रेन्स द स्काई बिकम डार्क एज इट कवर्ड विद डार्क क्लाउड. जब कभी बारिश होती है तो आप देखते हो कि जो हमारा स्काई है वो बिल्कुल बादलों से, आकाश है जो बादलों से भर जाता है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है. रेन्स आर यूजली अकम्प्लेंट विद वाइंड्स. रेन है जो अपने साथ हवा को लाती हैं, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ थंडरस्टॉर्म, कई बार गर्जन भी होती है और तूफान भी आता है. इट इज़ कूल ऑन रेनी डेज. रेनी डेज में क्या है, ठंड हो जाती है, ठंडा हो जाता है मौसम. लैक ऑफ द रेन और टू मच ऑफ इट. बारिश की कमी से और बहुत ही ज़्यादा बारिश होने से हमें कई बार नुकसान भी होते हैं, ये दोनों ही अच्छे नहीं हैं. लैक ऑफ रेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड. बहुत ही कम बारिश होना काफ़ी टाइम तक क्या है, सूखा ला देता है, जिससे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे क्या हैं, डाइंग, मरने लग जाते हैं पानी की कमी से. क्योंकि आपको पता है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड फूड इट और अगर वाटर नहीं होगा तो खाना नहीं मिल पाएगा हमें. सो बहुत ही ज़्यादा जब सूखा पड़ जाए तो क्या है, सभी तीनों चीज़ों के लिए, ये ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए नुकसान होता है. इफ़ ड्रफ लास्ट फॉर लॉन्ग, अगर वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहता है. और सिमिलरली अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती हैं तो क्या हो जाते हैं, बाढ़ें आ जाती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं. दे काज ए लॉट ऑफ डैमेज टू क्रॉप्स, जो कि फसलों को नुकसान करते हैं, बिल्डिंग्स को नुकसान करते हैं, रोड्स जो हैं वो टूट जाते हैं. एंड कैन कैरी अवे और ड्रोन एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स, और अपने साथ साथ ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को भी बहा कर ले जाते हैं. सो बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा बारिश की कमी दोनों ही क्या हैं, नुकसान देती हैं. वेदर क्विक रिकॉल में है आपके पास, ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं. इट इज़ कूलर ऑन सनी डेज दैन ऑन विंडी डेज, तो ये बात क्या है, फॉल्स है. लैक ऑफ रेन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है जो सूखा, उसको समटाइम रिजल्ट इन ड्रॉफ, तो ये बात ट्रू है. स्टॉर्म्स डू नॉट काज एनी डैमेज, जो तूफान है क्या कोई नुकसान नहीं करते, फॉल्स है ये बात. वेदर डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, चेंज होता है वो, ये बात भी क्या है, फॉल्स है. टेक चैलेंज में आपको कहा है ऑन विच डे कैन ए रेनबो बी फॉर्म्ड, कब दिखता है वो, जब हमारी रेन भी होती है और धूप भी निकल आती है, तभी आपको पता है जब बारिश की बूंदों पर जब हमारे सन की जो रेज पड़ती हैं तो क्या बनता है, रेनबो बनता है. सीजन्स क्या होते हैं, व्हेन एनी वन टाइप ऑफ वेदर कंडीशन कंटिन्यूज फॉर वन मैनी डेज, जब एक तरह की वेदर कंडीशन ना कुछ दिनों तक चलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, सीज़न कहते हैं. द चेंज इन सीज़न इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन, जो सीज़न का चेंज होना है वो अर्थ की मूवमेंट पे डिपेंड करता है. एक ईयर को हम डिवाइड करते हैं 3 मेजर सीजन्स में, समर में, विंटर में और रेनी सीज़न में. स्प्रिंग एंड ऑटम है जो इनके बीच में आते हैं मेन सीजन्स में. समर क्या है, समर इज़ द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, सबसे गर्म समय है ये साल का, जो सन है शाइन करता है बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली थ्रू आउट द डे, बहुत ही ज़्यादा जो है वो चमक होती है सूरज की पूरा दिन, और गर्मी रहती है, गर्म हवाएं चलती हैं. ड्यूरिंग द डे टाइम वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स, हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स डालते हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए. एज दे ऑब्जर्व स्वेट, क्योंकि वो पसीने को सोख लेते हैं. वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एज वी लॉस ए लॉट ऑफ इट वाइल स्वेटिंग, हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं इन दिनों में, क्योंकि हमारे जो पसीने से बहुत ही ज़्यादा पानी है जो वो निकल जाता है. विंटर्स क्या है, विंटर इज़ द कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, ठंडा टाइम होता है पूरे ईयर का. इट इज़ कोल्ड एंड मिस्टी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे, पूरा दिन ठंड रहती है, कपकपी सी रहती है, एक्सेप्शनली ड्यूरिंग मॉर्निंग और इवनिंग में जो है ज़्यादा ठंड रहती है. कोल्ड ड्राई एयर ब्लोज इन दिस सीज़न, ठंडी हवाएँ चलती हैं इस सीज़न में. वी वेयर, हम क्या डालते हैं, जैसे अब विंटर स्टार्ट हो रही है तो हम क्या डालने लग गए हैं, स्वेटर्स, ग्लव्स एक्सेट्रा, आगे ग्लव्स, कैप, हम सब कुछ ही डालना शुरू कर देंगे जब और ज़्यादा विंटर्स आ जाएंगी, जिससे कि हमें क्या है, हमें ये गर्म रखते हैं. समटाइम्स व्हेन इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आपको पता है हम उस टाइम पे फायर्स भी लाइट करते हैं, फायर लाइट करते हैं, लकड़ियाँ भी जलाते हैं और रूम हीटर का भी यूज़ करते हैं. रेनी सीज़न ऑल्सो, रेनी सीज़न है थर्ड, जो उसको हम मॉनसून सीज़न भी कहते हैं. इट इज़ अ सीज़न ऑफ रेन, ये बारिश का मौसम है. इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे इन मॉनसून, मॉनसून में हर रोज़ ज़्यादातर बारिश होती है. सम टाइम है जो रेन्स ऑल्सो कंप्लेंड बाय, कुछ
कई बार जो है बारिश के साथ ठंडी स्ट्रोंग हवाएं चलती हैं, गर्जन होती है, लाइटनिंग बिजली चमकती है, वी वेयर रेनकोट डालते हैं, हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं खुद को रेन से बचाने के लिए। रेनी सीज़न है जो वो वेलकम किया जाता है स्पेशली किसके द्वारा, फार्मर्स और चिल्ड्रन है जो बहुत खुश होते हैं, वो वेलकम करते हैं रेनी सीज़न का। इंडिया में जो फार्म्स हैं डिपेंड करते हैं, फार्मर्स हैं डिपेंडेंट है किस पे, रेन पे, क्योंकि रेन ही है जो क्या है, जो हमारे प्लांट्स लगाते हैं जो फार्मर्स, उसकी सिंचाई के इरिगेशन में उनको खेतों में क्योंकि नीड होती है पानी की फील्ड्स में, सो उनको वाटर की नीड होती है और वो वाटर कौन लाता है, रेन। इन ऑटम द वेदर इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ऑटम में है जो वेदर है जो ना तो गर्म होता है और ना ही ठंडा, इट इज़ ड्राई एंड वाइंडी, ये क्या है, सूखा सा रहता है और हवाएं चलती रहती हैं, ड्राई लीव्स हैं जो सूखी पत्तियां हैं वो ट्रीज से गिरने लग जाती हैं। स्प्रिंग सीजन क्या है, स्प्रिंग मीन्स होता है कि जब हमारे जो फ्लावर्स हैं वो खिल जाते हैं, अच्छा हर जगह हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, हरा हरा ग्रीन ग्रीन दिखता है हमें, जो इसको देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। इट इज़ द सीज़न ऑफ फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज और फ्लावर्स हैं जो इस सीज़न में बड़ी ही उड़ती हैं और खुश हो जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो, द चेंज ऑफ सीजन इज़ द रिजल्ट ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन, ड्यूरिंग समर वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी वाटर बिकॉज, क्योंकि हमारी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, स्वेटिंग होती है, ड्यूरिंग विंटर जो है कोल्ड ठंडी हवाएँ चलती हैं, सो इस इन यू हैव टू डू लेसन 5th एक्सरसाइज इन योर बुक्स एंड लर्न इट वेरी केयरफुली। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड